शहर कांग्रेस ना प्रभारी भार्गव ठक्कर द्वारा वडोदरा शहर कांग्रेस कार्यालय खाते अगत्यनी प्रेस कॉन्फरेंस योजाई थी, जेमा वडोदरा शहर कांग्रेस प्रमुख विपक्ष नेता अमीबेन रावत तेमज सीनियर कांग्रेस ना आगेवानो उपस्थित रह्या हता। ये अभी लोकसभा के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और वैसे भी कांग्रेस पार्टी हर हमेश संगठन में एक्टिव रहती है, संगठन का काम करती है, लोगों तक जाती है, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी लोकसभा के इलेक्शन एकदम नज़दीक आ रहे हैं तो हम हर एक वार्ड में जाके लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों को अपील करेंगे कि भाई क्या मुश्किल है आपकी, आप सरकार से संतुष्ट है कि नहीं है। नहीं है वो दिख रहा है, सरकार अपनी मार्केटिंग के अलावा कुछ काम नहीं कर रही है। तो अगर आपको संतोष नहीं है तो आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, कांग्रेस को मौका दीजिए। कांग्रेस की सरकारें थी तब आपने देखा था कि कांग्रेस क्या क्या काम करती है, गरीबों के बीच में जाती है, गरीबों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए कितनी योजना। अभी देखिए आपके राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार है तो उधर जो हेल्थ पॉलिसी है बनाई है, बहुत सारे काम किए, मैं आपको गिनवा दे थक जाऊंगा, इतने सारे काम किए। तो कांग्रेस को आपके आपने काम करके देखा है, वो राज्य सरकारें हो या केंद्र की सरकारें हो, तो आप देखिए और समझिए और कंपैरिजन कीजिए। हम नहीं बोलते कि हमको वोट दीजिए, आपको क्या लगता है आप देखिए, आप समझिए। आप कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी ज़्यादा समय तक किसी को मिसगाइड नहीं कर सकती है। जनता बोली है लेकिन होशियार है तो वो लोग समझेंगे। और हमारा काम ये है कि हम ग्राउंड जीरो तक जाएंगे, हमारे संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन में हमारी जो जो त्रुटियां है उसको हम सॉल्व करेंगे और लोगों को अपील करेंगे कि अभी जुड़िए हमारे साथ और हमारी सरकार बनाइए। कांग्रेस की क्या रणनीति तो स्वाभाविक रूप से मैं आपको ये प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता, लेकिन रणनीति हमारी ये है कि लोगों को समझाएं। सबसे कॉमन जो रणनीति होती है कि लोगों को समझाएंगे, लोगों को बोलेंगे, लोगों को पूछेंगे कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो टाइम यही होता है, 5 साल में एक बार ही समय होता है कि उसका रिजल्ट लाने का, बाकी 5 साल तक हम बूम लगाते रहेंगे, उससे रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, परिणाम तो वोट लगाने के बाद ही रिजल्ट मिलेगा, तो वो बात है। कांग्रेस के लोग भाजपा के अंदर ज्वाइन हो रहे हैं, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? वही दिक्कत है ना, ईडी सीबीआई दाग धमकी पैसे की लालच दे के किसी का मजबूरी का फायदा उठा के ये लोग आधी तो कांग्रेस हमारी बीजेपी में बड़ी हुई है। तो अगर आप इतने मजबूत हो, आपके पास इतना पॉपुलैरिटी है, आपके चेहरे बड़े मोदी साहब जैसे चेहरे आपके पास है, तो आपको क्यों हमारे नेताओं की जरूरत पड़ती है? आप अपने बलबूते पे लड़ो ना। हम वही बोलते हैं, हमारे आगेवन को क्यों ले जाते हो? आप बोलते हैं मोदी साहब पॉपुलैरिटी तो है, हम आप बोलते हैं हम कोई मना नहीं करते, तो फिर क्यों ज़रूरत है? वो तो समझाओ, उसका कारण समझाओ। आपके पास इतनी पॉपुलैरिटी, आपका इतना विश्व का सबसे बड़ा संगठन जो आप बोलते हैं, तो फिर हमारे नेताओं की क्या ज़रूरत है? लड़ो ना अपने आप। तो ये सब कहने की बात है, मार्केटिंग की बात है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं।